नमस्कार, मैं हूँ प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 2 जुलाई, दिन रविवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। कृषकों को फलदार पौधों पर मिलेगा 50% अनुदान। सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरे शिक्षक अभ्यर्थी। कुशल युवा कार्यक्रम मिशन के साथ जुड़ने के लिए करिए। जुलाई में इतने दिन बैंक में नहीं होगा कोई भी काम। सुरक्षा की जांच करने पाकिस्तान से भारत आएगी स्पेशल टीम। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। IBPS क्लर्क भर्ती के लिए शुरू हुए आवेदन। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन की ओर से क्लर्क के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की शुरुआत कर दी गई है। इसके लिए अगर शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उम्मीदवार को IBPS क्लर्क भर्ती 2023 में भाग लेने के लिए उम्मीदवारों को किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी संस्थान से ग्रेजुएशन उत्तीर्ण होना आवश्यक है। शैक्षणिक योग्यता से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किए गए नोटिफिकेशन को देख सकते हैं। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आवेदन करने के लिए IBPS की ऑफिशियल वेबसाइट www.ibps.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि आवेदन करने की अंतिम तारीख 21 जुलाई 2023 तक निर्धारित की गई है। कृषकों को फलदार पौधों पर मिलेगा 50% अनुदान। बिहार सरकार के कृषि विभाग उद्यान निदेशालय के द्वारा राष्ट्रीय बागवानी मिशन एवं मुख्यमंत्री बागवानी मिशन योजना के अंतर्गत कृषकों को फलदार पौधों पर 50% अनुदान देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ऐसे में इच्छुक किसान जो इस योजना के लिए अपना आवेदन करना चाहते हैं वह http://horticulturebihar.gov.in पर जाकर ऑनलाइन तरीके से अपना आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि इसके लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख 15 जुलाई 2023 तक निर्धारित की गई है। इससे जुड़ी अधिक जानकारी के लिए किसान अपने प्रखंड के प्रखंड उद्यान पदाधिकारी अथवा अपने जिला के सहायक निदेशक से संपर्क कर सकते हैं। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे विधान चंद्र राय के बारे में। डॉक्टर विधान चंद्र राय को बहुमुखी प्रतिभा के धनी, एक वरिष्ठ चिकित्सक, विद्वान शिक्षाविद, निर्भीक स्वतंत्रता सेनानी, कुशल राजनीतिज्ञ और प्रसिद्ध समाज सेवा के साथ साथ आधुनिक भारत के राष्ट्र निर्माता के रूप में भी बड़ी श्रद्धा व सम्मान के साथ स्मरण किया जाता है। विशेषकर बंगाल के प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में उनके द्वारा किए गए उल्लेखनीय कार्यों के संदर्भ में उन्हें बंगाल का मसीहा भी कहा जाता है। भारत में उनकी याद में हर साल 1 जुलाई को राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस मनाया जाता है। 4 फरवरी 1961 में वरिष्ठ चिकित्सक, विद्वान शिक्षाविद, निर्भीक स्वतंत्रता सेनानी, कुशल राजनीतिज्ञ और प्रसिद्ध समाज सेवक डॉक्टर विधान चंद्र राय को भारत सरकार द्वारा भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उनकी मृत्यु के पश्चात उनकी स्मृति और सम्मान में 1967 में दिल्ली में डॉक्टर बीसी राय स्मारक पुस्तकालय और वाचनालय की स्थापना की गई। सन 1976 में उनके नाम पर डॉक्टर बीसी राय राष्ट्रीय पुरस्कार आरंभ किया गया। यह पुरस्कार चिकित्सा, दर्शन, साहित्य, कला और राजनीति विज्ञान के लिए दिया जाता है। सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरे शिक्षक अभ्यर्थी। बिहार में शिक्षक की बहाली प्रक्रिया में सरकार के द्वारा बदले गए नियम को लेकर बीते दिन शिक्षक अभ्यर्थियों के द्वारा सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। ऐसे में प्रदर्शन कर रहे इन शिक्षक अभ्यर्थियों पर पुलिस के द्वारा लाठी चार्ज की गई, तो वहीं गुस्साए शिक्षक अभ्यर्थियों के द्वारा इसके जवाब में पुलिस पर रोड़ेबाजी की गई, जिसके बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। इसके अलावा पुलिस के द्वारा बड़ी संख्या में शिक्षक अभ्यर्थियों की गिरफ्तारी भी की गई है। वहीं सबके बावजूद भी शिक्षक अभ्यर्थियों के द्वारा धरना जारी रखा गया और कहा गया कि जब तक सरकार की ओर से हमारी मांग को पूरा नहीं किया जाता, हम लोग यहीं राष्ट्र कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे रहेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शिक्षा विभाग के द्वारा इन शिक्षक अभ्यर्थियों को पत्र जारी कर कड़ी चेतावनी भी दी गई थी, जिसमें कहा गया था कि माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षकों के संबंध में यह सुनिश्चित किया जाए कि बिहार जिला परिषद नगर निकाय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय सेवा नियमावली 2020 की खंडिका 19 में यथाविहित आचार संहिता के उल्लंघन का मामला प्रकाश में आने पर तदनुसार समुचित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। साथ ही कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन मामले का वीडियोग्राफी कराना भी सुनिश्चित किया जाए, ताकि आचार संहिता उल्लंघन के मामले को चिन्हित करना सुलभ हो। ऐसे दृष्टांत के मामले प्रकाश में आने पर समुचित आवश्यक कार्रवाई की जाए। बिहार के 6 जिलों में एनीमिया उन्मूलन कार्यक्रम की होगी शुरुआत। बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा मध्य प्रदेश के शहडोल से भारत के 17 राज्यों के साथ वर्चुअल माध्यम से जुड़कर नेशनल स्किल सेल डिजीज मिशन 2047 की शुरुआत की गई और साथ ही हेल्थ वर्कर के लिए ट्रेनिंग मटेरियल का भी लोकार्पण किया गया। बता दें कि 17 राज्यों में से बिहार भी एक राज्य शामिल है, जिसके 6 जिलों में नेशनल स्किल डिजीज मिशन की शुरुआत की जाएगी। बता दें कि राज्य के जिन 6 जिलों में इसकी शुरुआत की जाएगी उसमें पश्चिम चंपारण, पूर्णिया, बांका, सिवान,
राजस्थान, जमुई व कटिहार जिला शामिल है। बता दें कि भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा जनजातीय मंत्रालय और राज्यों के साथ मिलकर अगले 2-3 साल में देश के 17 राज्यों के लगभग 165 जिलों में बस रही 0 से 40 साल की आयु वाली 7 करोड़ जनसंख्या को 3 साल में स्क्रीनिंग कर अमृतकाल में 2047 तक स्किन सेल बीमारी को खत्म करने की योजना बनाई गई है। स्क्रीनिंग के बाद सभी को उनकी स्थानीय भाषा में स्मार्ट कार्ड दिया जाएगा, जिससे शादी करने वाले लड़का और लड़की को आसानी से पता चल सकेगा कि शादी के बाद होने वाले बच्चों में स्किन सेल से ग्रसित होने की संभावना कितनी है, ताकि उचित निर्णय लिया जा सके। पावर वीडर की खरीद पर किसानों को मिलती है अनुदान राशि। IPRD बिहार के द्वारा जारी किए गए एक पोस्ट के अनुसार यह जानकारी निकलकर सामने आई है कि बिहार सरकार के कृषि विभाग के द्वारा कृषि यांत्रीकरण योजना के तहत पावर वीडर के खरीद पर किसानों को सरकार की ओर से अनुदान के रूप में राशि दी जाती है, जिसके तहत अगर सामान्य किसान के द्वारा 2 से 5 BHP तक पावर वीडर की खरीदारी की जाती है तो 40% अधिकतम यानी कि 24,000 रुपए दिए जाते हैं। वहीं अनुसूचित जाति जनजाति और अत्यंत पिछड़ा वर्ग को अधिकतम 50% यानी कि 30,000 रुपए अनुदान के रूप में दिए जाते हैं। इसके अलावा अगर सामान्य किसान की ओर से 5 BHP से ऊपर के पावर वीडर की खरीदारी की जाती है तो सरकार की ओर से उन्हें अधिकतम 40% यानी कि 32,000 रुपए और अनुसूचित जाति जनजाति और अत्यंत पिछड़ा वर्ग को अधिकतम 50% यानी कि 40,000 रुपए अनुदान के रूप में दिए जाते हैं। ऐसे में इच्छुक किसान अनुदानित दर पर कृषि यंत्र खरीदने के लिए OFMAS पोर्टल www.farmech.bih.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। बिहार से चलने वाली 11 स्पेशल ट्रेनों के परिचालन अवधि में वृद्धि। गर्मी की छुट्टियों में रेलवे के द्वारा कई ट्रेनों के परिचालन की शुरुआत की गई थी, ऐसे में अब यात्रियों के भीड़ को देखते हुए इन स्पेशल ट्रेनों के परिचालन अवधि में विस्तार कर दिया गया है। बता दें कि मुख्य जनसंपर्क अधिकारी वीरेंद्र कुमार के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार बिहार से चलने वाली 11 जोड़ी समर स्पेशल के परिचालन अवधि में विस्तार करने का निर्णय लिया गया है, जिनमें 05537 दरभंगा अजमेर स्पेशल, 05538 अजमेर दरभंगा स्पेशल, 03219 पाटलिपुत्र गोमती नगर स्पेशल, 03220 गोमती नगर पाटलिपुत्र स्पेशल, 09011 उधना मालदा टाउन एक्सप्रेस, 09012 मालदा टाउन उधना स्पेशल, 09525 ओखा नाहरलुगान स्पेशल, 09526 नाहरलुगान ओखा स्पेशल, 09417 अहमदाबाद पटना स्पेशल, 09418 पटना अहमदाबाद स्पेशल, 09061 मुंबई सेंट्रल बरौनी स्पेशल, 09062 बरौनी मुंबई सेंट्रल स्पेशल, 09421 अहमदाबाद दरभंगा स्पेशल, 09422 दरभंगा अहमदाबाद स्पेशल, 09413 अहमदाबाद समस्तीपुर स्पेशल, 09414 समस्तीपुर अहमदाबाद स्पेशल, 09025 बलसार दानापुर स्पेशल, 09026 दानापुर बलसार स्पेशल, 09343 डॉक्टर अंबेडकर नगर पटना स्पेशल, 09344 पटना डॉक्टर अंबेडकर नगर स्पेशल, 09033 उधना बरौनी स्पेशल और 09034 बरौनी उधना स्पेशल ट्रेन शामिल है। जुलाई में इतने दिन बैंक में नहीं होगा कोई भी काम। जुलाई के महीने की शुरुआत हो चुकी है, ऐसे में अगर आप इस महीने बैंक से जुड़े कुछ कामों का निपटारा करने के लिए बैंक जाने का मन बना रहे हैं तो बैंक जाने से पहले आप एक बार RBI की ओर से जारी किए गए बैंक हॉलीडे की लिस्ट को जरूर देख ले। बता दें कि जारी किए गए हॉलीडे लिस्ट के अनुसार जुलाई महीने में कुल 15 दिन बैंक बंद रहने वाले हैं। हालांकि ये छुट्टियां विभिन्न राज्यों में अलग अलग है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जुलाई महीने में 2 यानी कि आज 8, 9, 16, 22, 23 और 30 जुलाई को देश के सभी बैंकों में साप्ताहिक अवकाश है, जिसमें दूसरा व चौथा शनिवार भी शामिल है। वहीं अगर हम बिहार में बैंकों की होने वाली छुट्टियों की बात करें तो साप्ताहिक अवकाश के अलावा 29 जुलाई को मुहर्रम यानी कि ताजिया के दिन बैंक हॉलीडे है, यानी कि बिहार में बैंक हॉलीडे कुल 8 दिन है। राज्य के 18 शहरों की सड़कें होंगी दुरुस्त। राज्य सरकार के पथ निर्माण विभाग के द्वारा प्रदेश के 18 शहरों की सड़कों को दुरुस्त करने और पहले से बेहतर बनाने का काम किया जाएगा। बता दें कि इसके लिए सरकार की ओर से कुल 134 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। मालूम हो कि इससे पहले राज्य सरकार की ओर से 3 चरणों में 488 करोड़ की योजना को राज्य के 35 शहरों के लिए स्वीकृत किया गया था। आपको जानकारी के लिए बता दें कि विभाग की ओर से इन 18 शहरों में सड़कों को दुरुस्त करने का काम 2 चरणों में पूरा किया जाएगा, जिसके तहत पहले चरण में 6 शहर और दूसरे चरण में 12 शहरों को शामिल किया गया है। मालूम हो कि जिन 18 शहरों के लिए विभाग की ओर से 134 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं उनमें डेहरी ऑन सोन, भभुआ, ढाका, झंझारपुर, बेनीपुर, कटिहार, मुंगेर, कोचस, लखीसराय, अरवल, शेरघाटी, गया, बांका, दरभंगा, सिवान, मुजफ्फरपुर, सोनपुर और हाजीपुर शामिल है। बिहार के पर्यटन में आज हम बात करेंगे अमझर शरीफ के बारे में। अमझर शरीफ औरंगाबाद जिले में स्थित है और इस्लाम के सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक केंद्रों में से एक है।
आपको बता दें कि दरगाह को हजरत सैयदाना मोहम्मद जुलानी के नाम से जाने जाने वाले मुस्लिम पीर के लिए कब्र के रूप में बनाया गया था, जो आज मुस्लिम समुदाय के लोगों के बीच महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में से एक माना जाता है। इस दरगाह की खासियत यहां जून के पहले सप्ताह के दौरान आयोजित होने वाले महान पीर की वर्षगांठ पर देखने को मिलती है, जब लाखों की संख्या में मुस्लिम समुदाय और भी अन्य समुदाय के लोग जो सूफीवाद में यकीन रखते हैं इस तीर्थ स्थल पर आते हैं। इस अवसर पर तीर्थयात्रियों के लिए बाबा हजरत के पवित्र बाल प्रदर्शित किए जाते हैं। शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ बीजेपी 13 जुलाई को विधानसभा मार्च। बीते दिन से राज्य में शिक्षक अभ्यर्थियों के द्वारा शिक्षक नियुक्ति को लेकर सरकार के खिलाफ विरोध शुरू कर दिया गया है। वहीं अब शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ बीजेपी भी मैदान में उतरने वाली है। दरअसल बीते दिन बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि बीजेपी के द्वारा यह फैसला लिया गया है कि 13 जुलाई को बिहार बीजेपी की ओर से शिक्षक अभ्यर्थियों के पक्ष में विधानसभा मार्च किया जाएगा और सरकार से 10 लाख सरकारी नौकरी देने पर जवाब मांगा जाएगा। इसके अलावा हमारे द्वारा सीटीईटी टीईटी की सीधी नियुक्ति की भी मांग की जाएगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी की मांग है कि सभी नियोजित शिक्षकों को बीपीएससी की परीक्षा दिए बिना ही नियुक्ति की जाए। इसके साथ ही सम्राट चौधरी ने तंज कसते हुए कहा कि नीतीश कुमार को अपने विधायकों के साथ न देने को लेकर डर लगने लगा है। जब किसी नेता के पास कुछ नहीं बचता तो वह आदमी को पकड़ने लगता है, वही काम अब नीतीश जी कर रहे हैं। लालू प्रसाद यादव तो नीतीश कुमार के आका है। नीतीश कुमार तो आजकल लालू प्रसाद के जरिए ही काम कर रहे हैं। वहीं नीतीश कुमार के जीवन पर आधारित किताब को लेकर उन्होंने कहा कि अगर किताब में कुछ अच्छा हो तो पढ़ा जाता है। कुशल युवा कार्यक्रम मिशन के साथ जुड़ने के लिए करिए। बिहार सरकार के श्रम संसाधन विभाग के द्वारा एक पोस्ट शेयर कर यह जानकारी दी गई है कि प्रदेश के युवाओं को कुशल युवा कार्यक्रम के साथ विवाद प्रबंधन में प्रशिक्षित होने का अवसर मिल रहा है, जो उनके व्यवहार कुशलता के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप भी ये सीखना चाहते हैं तो आज ही अपने नजदीकी केवाईपी सेंटर पर जाएं या अपने जिले में डीआरसीसी से संपर्क करें। बता दें कि जारी किए गए इस पोस्ट के अनुसार इस कार्यक्रम से जुड़ने पर आपको संघर्षों का विश्लेषण और समाधान के तरीके, सहयोग और सहायता की तलाश और समझना और समझौता करना सिखाया जाएगा। इससे जुड़ी अधिक जानकारी के लिए आप हेल्पलाइन नंबर 1800123-6525 पर सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक संपर्क कर सकते हैं। श्रावणी मेले तक ये 10 मेल एक्सप्रेस ट्रेन रुकेंगी सुल्तानगंज स्टेशन पर। 4 जुलाई से बिहार के भागलपुर में अगले 2 महीने तक लगने वाले विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। ऐसे में कांवड़ियों की सुविधा के लिए रेलवे यात्रा को सुगम बनाने के लिए ईस्टर्न रेलवे मुख्यालय से अनुमति लेकर अगले 2 महीने तक कुल 10 मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव अप और डाउन दोनों लाइनों पर सुल्तानगंज स्टेशन पर करने का निर्णय लिया गया है। बता दें कि इस संबंध में अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि श्रावणी मेले के दौरान सुल्तानगंज स्टेशन पर जिन 10 ट्रेनों का ठहराव होगा उनमें 1, 2, 2, 5, 3 यशवंतपुर भागलपुर अंग एक्सप्रेस, 1, 2, 2, 5, 4 भागलपुर यशवंतपुर अंग एक्सप्रेस, 1, 3, 4, 2, 3 भागलपुर अजमेर एक्सप्रेस, 1, 5, 6, 1, 9 गया कामाख्या एक्सप्रेस, 1, 5, 6, 2, 0 कामाख्या गया एक्सप्रेस, 1, 3, 4, 2, 4 अजमेर भागलपुर एक्सप्रेस, 1, 3, 4, 2, 9 मालदा टाउन आनंद विहार, 1, 3, 4, 3, 0 आनंद विहार मालदा टाउन, 1, 5, 6, 2, 6 अगरतला देवघर एक्सप्रेस और 1, 5, 6, 2, 5 देवघर अगरतला एक्सप्रेस शामिल है। बराज डैम के नक्शे की जानकारी रखेंगे अभियंता। बिहार सरकार के जल संसाधन विभाग के अपर मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद के द्वारा बाढ़ से बचाव को लेकर राज्य के सभी बराज व डैम के नक्शे की जानकारी सभी अभियंताओं को रखने के लिए कही गई है, ताकि वे पानी के बहाव की स्थिति का आकलन कर सके और साथ ही इसको लेकर तत्परता पूर्वक कार्रवाई कर सके। बता दें कि अगर अभियंताओं के द्वारा बराज और डैम पर नजर रखी जाती है तो इससे सामान्य बारिश के दिनों में होने वाले पानी के डिस्चार्ज को नियंत्रित रखने में मदद मिलेगी और बाढ़ के खतरों को कम किया जा सकेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राज्य में कुल 3 बराज और 10 डैम है, जिनमें वाल्मीकि बराज, वीरपुर बराज और इंद्रपुरी बराज है। वहीं खड़गपुर झील, कोहिड़ा, अमरती, बदुआ, श्रीखंडी, कोल महादेव, चानन, चालकुंड, नागी डैम, मोड़वे डैम है। बिहार के इन जिलों में बारिश के आसार। बिहार में पिछले 2 दिनों से हो रही बारिश के कारण प्रदेश के लगभग जिलों में जल जमाव जैसे हालात उत्पन्न हो गए हैं। प्रदेश के किसान इस बारिश को लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। बता दें कि प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मॉनसून की सक्रियता के कारण प्रदेश के ज्यादातर जिलों में बारिश जैसे हालात उत्पन्न हो गए हैं। मौसम केंद्र की तरफ से जारी अपडेट के अनुसार अगले 24 घंटे तक इसी तरह के हालात उत्पन्न रहेंगे। साथ ही यह भी बताया गया है कि प्रदेश में एक ट्रफ लाइन रेखा गुजर रही है। यह ट्रफ लाइन राजस्थान से लेकर नागालैंड तक गुजर रही है। इसके अलावा प्रदेश में एक निम्न दबाव का क्षेत्र भी बन रहा है, जिसके कारण प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश जैसे हालात है या फिर बारिश हो रहे हैं। विभाग की माने तो प्रदेश में 1 से 2 स्थानों पर वज्रपात के साथ मेघगर्जन होने की संभावना है। साथ ही पश्चिम चंपारण, सीतामढ़ी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर और बांका जिलों में 1 से 2 स्थानों पर भारी बारिश की होने की पूरी संभावना है। नक्सलियों द्वारा आत्मसमर्पण करने पर सरकार देती है इतनी राशि।
आईपीआरडी बिहार के द्वारा एक पोस्ट शेयर कर यह जानकारी दी गई है कि बिहार सरकार के गृह विभाग के द्वारा आत्मसमर्पण सह पुनर्वासन योजना अंतर्गत नक्सलियों द्वारा आत्मसमर्पण करने पर सहायता राशि प्रदान की जाती है, जिसके अंतर्गत अगर उच्च श्रेणी के नक्सली अगर समर्पण करते हैं तो उन्हें सरकार की ओर से 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। वहीं अन्य श्रेणी के नक्सली द्वारा आत्मसमर्पण करने पर 2.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा अगर नक्सली विभिन्न प्रकार के हथियार सरेंडर करते हैं तो सरकार की ओर से अलग अलग इंसेंटिव दिए जाने की व्यवस्था है। इसके साथ ही सरकार की ओर से आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को पुनर्वास केंद्र में रहने एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा भत्ता देने का प्रावधान है। शिक्षक अभ्यर्थियों के विरोध पर आरजेडी ने कहा ये बीते दिन शिक्षक अभ्यर्थियों के द्वारा बिहार सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। वहीं इस दौरान पुलिस के द्वारा अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज भी की गई। इन सब मामलों को लेकर राष्ट्रीय जनता दल के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव के द्वारा अपना बयान दिया गया है। उन्होंने कहा कि हमारे द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है और हम संगठनों से भी बात करेंगे। उन्होंने कहा कि यह सब हमारे लोग हैं और हम उनकी भावनाओं का भी आदर करते हैं। जरूरत पड़ने पर अन्य क्षेत्र में जो बहाली होगी उस पर हम विचार करने के लिए सरकार से आग्रह करेंगे। उन्होंने कहा कि हम भावनाओं का अनादर नहीं करते। इसके साथ ही राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी के द्वारा कहा गया कि हम शिक्षक अभ्यर्थी से अपील करेंगे कि वे बीजेपी के झांसे में न आए। प्रदर्शन करने का एक दायरा होता है, उस दायरे के अंदर काम करना चाहिए। रही बात लाठीचार्ज की तो देखना होगा कि किन हालातों में पुलिस ने ऐसा किया है, इसकी जाँच कराई जाएगी। अगवानी पुल हादसे की जाँच रिपोर्ट को लेकर सुशील मोदी की मांग। कुछ समय पहले बिहार के सुल्तानगंज को खगड़िया से जोड़ने वाले निर्माणाधीन अगवानी सुल्तानगंज महासेतु का कुछ हिस्सा गंगा नदी में गिर गया था, जिसके बाद इसको लेकर सियासी गलियारों में खूब आरोप प्रत्यारोप का दौर चला था। वहीं अब एक बार फिर से इस मुद्दे को लेकर बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री और बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी के द्वारा बिहार सरकार से मांग करते हुए अगवानी पुल हादसे की जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक करने को कहा है। उन्होंने कहा कि जिन इंजीनियरों को हटाया गया था उन्हें फिर से पदस्थापित कर लीपापोती शुरू कर दी गई है। एक बार से नीतीश कुमार ने भ्रष्टाचार से समझौता कर लिया है। अब तक न विभागीय जांच में कोई प्रगति हुई और न ही डिजाइन बनाने वाली कंपनी पर कोई कार्रवाई की गई है। इस मामले पर महीने भर में क्या जांच पड़ताल हुई है, इस पर नीतीश कुमार को जवाब देना चाहिए। विपक्षी एकता की दूसरी मीटिंग पर लालू यादव का बयान। बीते दिन शनिवार को राज सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के द्वारा सर्कुलर रोड आवास पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए विपक्षी एकता की दूसरी मीटिंग को लेकर अपना बयान देते हुए कहा गया कि वो विपक्षी एकता की दूसरी मीटिंग में शामिल होने के लिए बेंगलुरु जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि विपक्षी दलों की दूसरी मीटिंग बेंगलुरु में है, इसलिए ऐसे में दक्षिणी राज्य में भी विपक्षी दलों को एकजुट होने का संदेश जाएगा। अब तक विपक्षी मोर्चे के लिए संयोजक चुनने पर कोई बात नहीं की गई है, लेकिन दूसरी मीटिंग में सीट बंटवारे सहित कई मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि आम आदमी पार्टी भी प्रस्तावित बड़े विपक्षी मोर्चे का हिस्सा होगी, इसमें कहीं कोई विवाद नहीं है। सुरक्षा की जांच करने पाकिस्तान से भारत आएगी स्पेशल टीम। आईसीसी के द्वारा विश्व कप का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। ऐसे में पाकिस्तान की ओर से विश्व कप के लिए अपनी टीम को भारत भेजने से पहले वर्ल्ड कप का वेन्यू का निरीक्षण करने के लिए एक सुरक्षा प्रतिनिधि मंडल को भारत भेजने की तैयारी की जाएगी। यह सुरक्षा प्रतिनिधि मंडल पीसीबी के प्रतिनिधित्व के साथ उन स्थानों का निरीक्षण करेगा जहां पाकिस्तान अपने मैच खेलेगा और विश्व कप में उनके लिए की गई सुरक्षा और अन्य व्यवस्थाओं का भी निरीक्षण करेगा। भारत के किसी भी दौरे से पहले क्रिकेट बोर्ड को सरकार से अनुमति लेना जरूरी है, जो आमतौर पर भारत में एक प्रतिनिधि मंडल भेजता है। प्रतिनिधि मंडल भारत के अधिकारियों से बातचीत के साथ टूर्नामेंट के लिए जाने वाले खिलाड़ियों, अधिकारियों, प्रशंसकों और मीडिया के लिए सुरक्षा और अन्य व्यवस्थाओं पर चर्चा और निरीक्षण करेगा। प्रतिनिधि मंडल पाकिस्तान के लिए निर्धारित स्थान के बजाय किसी अन्य स्थान पर खेलने को बेहतर समझता है और वह अपनी रिपोर्ट में इसका उल्लेख करेगा। अगर प्रतिनिधि को रिपोर्ट में निरीक्षण के दौरान कुछ ठीक नहीं लगा तो पीसीबी इस रिपोर्ट को आईसीसी और बीसीसीआई के साथ भी शेयर करेगा। भारत के इतिहास में आज की तारीख है कई कारणों से दर्ज। कलकत्ता उच्च न्यायालय का उद्घाटन 1862 में हुआ। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की स्थापना 1916 में हुई। ब्रिटिश सरकार ने सुभाष चंद्र बोस को 2 जुलाई 1940 को विद्रोह भड़काने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। बांग्लादेश निर्मित परमाणु बिजली केंद्र की पहली इकाई ने 1983 में मद्रास के निकट कल्पक्कम में काम करना शुरू किया। भारत और पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने 2004 को जकार्ता में आपसी बातचीत की। 13वीं और 15वीं लोकसभा के सदस्य तूफानी सरोज का जन्म 1956 में हुआ। स्वतंत्रता सेनानी तथा समाज सुधारक यूसुफ मेहर अली का निधन 1950 में हुआ। वेलकम, आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय सिंचाई और जल संसाधन बोर्ड के बारे में। सोशल मीडिया पर कई सूचनाएं वायरल होती है लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय सिंचाई और जल संसाधन बोर्ड के बारे में। दरअसल पीआईबी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि एक वेबसाइट राष्ट्रीय सिंचाई और जल संसाधन बोर्ड के तहत प्रशासन अधिकारी सीचपाल और सीचपाल पर्यवेक्षक के पदों पर भर्ती करने का दावा करती है। पीआईबी ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है कि यह वेबसाइट फेक है। यह वेबसाइट MOJSDOWRDGR से संबंधित नहीं है।
व्हाट्सएप चैट्स को आसानी से नए फोन में करें ट्रांसफर। अब आपको व्हाट्सएप चैट्स को ट्रांसफर करने के लिए गूगल ड्राइव की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। दरअसल अब आप व्हाट्सएप चैट्स को गूगल ड्राइव के बजाय नए फोन में QR कोड को स्कैन कर ट्रांसफर कर सकते हैं। कंपनी ने ये भी दावा किया है कि नई सुविधा के जरिए चैट्स तेजी से ट्रांसफर होगी और कम समय में काम हो जाएगा। हालांकि इसके लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे। सबसे पहले अगर आप व्हाट्सएप चैट्स को ट्रांसफर करना चाहते हैं तो सबसे पहले नए फोन में व्हाट्सएप को डाउनलोड कर लें, साथ ही वाईफाई और लोकेशन को इसमें ऑन कर लें। अब पुराने फोन में भी वाईफाई और लोकेशन को ऑन करें और सेटिंग में जाकर चैट सेक्शन में आए। यहां ट्रांसफर चैट्स का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर प्रोसेस को शुरू करें। पुराने फोन में आ रहे QR कोड को स्कैन करें। ऐसा करते ही चैट ट्रांसफर प्रोसेस शुरू हो जाएगा। जून महीने में GST कलेक्शन हुआ शानदार। पिछले महीने यानी कि जून महीने में एक बार फिर से सरकारी खजाने को GST से जबरदस्त कमाई हुई है। बता दें कि इस बात की जानकारी बीते दिन वित्त मंत्रालय के द्वारा ऐलान करते हुए दिया गया है। मालूम हो कि सरकारी आंकड़ों के अनुसार जून 2023 महीने के दौरान GST से सरकार को 1.61 लाख करोड़ रुपए मिले हैं, जिसमें साल भर की तुलना में 12% वृद्धि हुई है। बता दें कि इससे पहले मई महीने के दौरान भी GST कलेक्शन में 12% की वृद्धि हुई है। GST संग्रह के आंकड़े बताते हैं कि जून 2023 लगातार 15वां ऐसा महीना रहा जब सरकार ने GST से 1.4 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा राजस्व जुटाने में सफलता प्राप्त की है। वहीं यह ऐसा चौथा महीना भी रहा है जब GST कलेक्शन 1.60 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है, जिसमें CGST से 31,013 करोड़, SGST से 38,292 करोड़, IGST से 80,292 करोड़, वस्तुओं के आयात से 39,095 करोड़ और सेस से 11,900 करोड़ हैं। पुष्पा द रोल में पुष्पा भाऊ और भंवर सिंह के बीच होगी तेज लड़ाई। पुष्पा द राइज से फेमस हुए फहद फाजल के द्वारा खुलासा करते हुए कहा गया कि पुष्पा द रोल में उनके और अल्लू अर्जुन के बीच तेज लड़ाई दर्शकों को देखने के लिए मिलने वाली है। उन्होंने यह भी बताया कि इस फिल्म में रश्मिका मंदाना की भी अहम भूमिका होगी। उन्होंने कहा कि पुष्पा का दूसरा भाग भंवर सिंह के लिए है। इन दोनों के बीच बहुत ज्यादा लड़ाइयां होंगी और सारी कहानी इन दोनों की लड़ाइयों के आसपास ही होगी। हम अगले वर्ष फिल्म की शूटिंग करने का प्रयास कर रहे हैं। फिलहाल निर्देशक अपनी फिल्म के साथ व्यस्त हैं। मेरे अपने कमिटमेंट हैं। हम तैयार होंगे फिर कई फिल्मों में भी नजर आएंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पुष्पा द रूल फिल्म मई या अगस्त वर्ष 2024 में रिलीज की जाएगी। बीते दिन मदरा पूछे का सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया है। जिन्होंने मदरा पूछे का सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है एमके माही, उमेश ऋषिदेव, दीपेंद्र कुमार, रन्नो गोलू कुमार, रवि कुमार राम, रंजीत मिश्रा, राजकिशोर महतो, राजीव कुमार, मृत्युंजय कुमार, रविशंकर, मोटो रंगीला, मोहम्मद सकीर हुसैन, कुंदन राज, नेहा परवीन, नौशद अंसारी। इसके साथ ही बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार बिहार के किस व्यक्ति द्वारा बिहार के मान को सबसे ज्यादा बढ़ाया गया है? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे चैनल को सब्सक्राइब करना और अगर आप फेसबुक से देख रहे हो पेज को फॉलो करना न भूले। धन्यवाद।